भोपाल देश के युवाओं को नशे में धकेल उनके भविष्य की सुपारी ले रही मोदी सरकार, यह बात कांग्रेस के प्रवक्ता एवं सांसद शक्ति सिंह मोहित और पूर्व मंत्री के पटवारी संयुक्त प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर 2021 को अडानी गुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन ड्रग्स कीमत 21,000 करोड़ रुपए पकड़े जाने का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। यह हेरोइन ड्रग्स सेमिकट टेलकम पाउडर की फर्जी ब्रांडिंग से मैसर्स हसन हुसैन लिमिटेड अफगानिस्तान द्वारा ईरान के माध्यम से भारत भेजे गए। यह ड्रग्स आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से मंगवाए गए तथा आशी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक गिरफ्तार किए गए। दंपति सुधाकर मच्छावरम व श्रीमती गोविंद राजू वैशाली को कथित तौर से मात्र 4 लाख रुपए का भुगतान इम्पोर्ट व हैंडलिंग एजेंट के तौर पर किया गया। असल ड्रग माफिया कौन है उसका चेहरा बेनकाब ही नहीं हुआ, पर अब दुनिया का सबसे बड़ा हेरोइन ड्रग्स खुलासा सामने आया है। 9 जून 2021 को भी अडानी मुद्रा पोर्ट से आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अफगानिस्तान की मेसर्स हसन हुसैन लिमिटेड ने 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स सेमिकट टेलकम पाउडर के नाम से आयात किए थे। इसकी कीमत 1,75,000 करोड़ रुपये है। यह हेरोइन ड्रग्स पकड़े ही नहीं गए व अब देश के बाजार में हैं और हिंदुस्तान के नौजवानों को नशे की आग में झोंक रहे हैं। यह अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा भी है। वर्ल्ड दुबई का है और ये टर्मिनल जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वहां पे ये टर्मिनल बना। उस टर्मिनल से 3000 किलो हेरोइन इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी कीमत होती है 21,000 करोड़ का हेरोइन हमारे वहां पकड़ा गया। और ये हेरोइन सेमिकट टेलकम पाउडर के फर्जी रूप में हमारे देश में लाया गया। अफगानिस्तान से निकला हुआ यह हेरोइन वाया ईरान हमारे देश में लाया गया। आपको ताजुब होगा कि 21,000 करोड़ का हेरोइन, हमारे देश के युवा धन को बर्बाद कर देने वाला हेरोइन देश में घुसा और किसको पकड़ा गया? एक दंपति सुधाकर मछवराम एंड श्रीमती गोविंद राजू वैशाली, जो कथित तौर से 4 लाख के कमीशन एजेंट पे माल लाने के उसमें थे। असली कौन है, बड़ा मगरमच्छ कौन इसके पीछे, आज तक वो सामने नहीं आया। इससे भी चौंकाने वाली बात एक और हुई कि 9 जून 2021 कि जब इसकी जांच शुरू हुई तो एक और बात सामने आई कि 9 जून 2021 में इसी अदानी मुंद्रा पोर्ट के आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अफगानिस्तान से मैसर्स हसन हुसैन लिमिटेड ने 25,000 किलो हेरोइन जिसकी कीमत होती है 1,75,000 करोड़, छोटे मोटे राज्यों का टोटल एक साल का बजट होता है, 1,75,000 करोड़ का हेरोइन, वो भी सेमिकट टेलकम पाउडर के फर्जी नाम से हमारे देश में लाया गया है। हमारे मध्य प्रदेश के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे और आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आज एक गंभीर मसले पे आप सब से बात करना चाहता हूँ। चाणक्य जी ने कहा था, अगर किसी देश को बर्बाद कर देना है तो उस देश के युवाओं को, उस देश के नागरिकों को नशे के रास्ते चढ़ा दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये चाणक्य जी ने कहा था। मुझे बड़े दुख के साथ
कहना पड़ रहा है कि आज जो सुल्तान दिल्ली पे बैठे हैं, दिल्ली की सल्तनत को अपनी सुल्तानी सल्तनत समझकर, उनका इंटरेस्ट होता है कि आवाम का मैंडेट ना मिले तो कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा है, ताकत है, सीडी है, ईडी है, मैं किसी भी तरह से सरकार जनमत के खिलाफ तोड़ के अपनी सरकार बना लूंगा। सारी वो एजेंसीज उसी में लगा के रखते हैं। और दूसरी ओर जो देश हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है वो अपनी साजिशें बनाने में कामयाब हो जाता है। मैं 13 सितंबर 2021 को जो एक बहुत बड़ी बात माने पूरी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।